चले जी आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 19 के साथ। इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से कुछ पास्ट पेपर्स का एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और देखें, याद रखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं फैमिली स्ट्रक्चर क्वेश्चन। एग्जाम में कई मरतबा 26 मार्कर के अंदर ये फैमिली स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया हुआ है, और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही कोई टेक्निकल काम है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में फंस जाते हैं और उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, ठीक है। तो फैमिली स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी दो डायमेंशंस होती हैं। क्या होती है बेटा? दो डायमेंशंस होती हैं। एक डायमेंशन तो होती है इसकी फैमिली डाइवर्सिटी, कि भाई आप सिंपल एग्जामिनर की स्टेटमेंट ये कह रही है कि भाई फैमिली डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज, एग्जांपल दे देता हूं, ट्रेडिशनल फैमिलीज आर डिसअपीयरिंग, ट्रेडिशनल फैमिलीज आर डिसअपीयरिंग, ठीक है। देयर इज नो वन फैमिली स्ट्रक्चर डोमिनेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, एवरी फैमिली इज एन ऑल्टरनेटिव फैमिली, सही है। इस किस्म की अगर बात एग्जामिनर कर रहा है, तो इसका मतलब है सवाल की जो एंगलिंग होगी वो जाएगी किसकी तरफ? फैमिली डाइवर्सिटी की तरफ, सही है। दूसरी तरफ कह सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। लेट्स सपोज द न्यूक्लियर फैमिली इज द डोमिनेंट फैमिली सेटिंग्स आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सही है। आप इस किस्म का, यानी कि ऐसा सवाल बिल्ड किया जा रहा है कि जिसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली की बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक तरह से एक ऐसा फिनोमेना दे दूंगा कि आप अपने पैराग्राफ्स को बिल्ड इजीली कर लेंगे, ठीक है जी। मैं आपको एक छोटी सी चीज आगे कराता हूं। पहले तो देखें, सबसे पहले जहन में रखें, हमें थीसिस के अंदर, पहले मैं इसको इस तरह से कर लेता हूं, ये जहन में रखिएगा, आपको थीसिस के अंदर यानी कि फोर के अंदर आपके पास मिनिमम 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए फॉर 26 मार्क, और एंटायर थीसिस में भी आपके पास इतना ही कंटेंट होना चाहिए, एंड सेम फॉर थीसिस एंड सेम फॉर एंटायर थीसिस, ठीक है। सबसे पहले तो आपने फिगर आउट करना है कि सवाल की डायमेंशन किस तरफ जा रही है। एक तरफ हमारे पास न्यूक्लियर फैमिली के आर्गुमेंट हैं, दूसरी तरफ हमारे पास फैमिली डाइवर्सिटी के आर्गुमेंट हैं। आप अपने अच्छा सा पैराग्राफ स्ट्रक्चर बना लें तो चांस ये है कि काफी हद तक चांसेस ये होते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा गया है सवाल, 26 मार्क में पूछा गया। मुझे ये लगता है अगर वो 26 मार्क में एग्जामिनर इसका सवाल नहीं पूछेगा ना, तो देखो एग्जामिनर के पास ना ऑप्शंस इतने ज्यादा है नहीं अपने क्वेश्चंस को मोल्ड करने के लिए। उसको ऐसे टॉपिक्स जिसमें फॉर और अगेंस्ट बिल्ड हो सकता है, उसमें कम से कम उसको दो सवाल पूछने, एक है आपका 10 और 6 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3 और एक है 26 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका चांस जरूर बनता है, आपके पास अगर अच्छा कंटेंट रेडी है तो बहुत आपको हेल्प आउट करेगा ये चीज, ठीक है। देखिए, अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली की बात करता हूं तो न्यूक्लियर फैमिली में सबसे पहले तो आप मर्डॉक को लें, मर्डॉक का 250 ह्यूमन सोसाइटीज का सर्वे, ठीक है जी। फिर उसके प्लस डेफिनेशन है, कि आप बोलो यार ये जो उसने डेफिनेशन दी है ना, ये भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है किस चीज को? किस चीज को सपोर्ट करती है बेटा? आप न्यूक्लियर फैमिली को सपोर्ट करती है। आप जब इसकी इवैल्यूएशन लिखने जाओगे, इवैल्यूएशन में आपके पास डाइवर्सिटी के ठीक ठाक आर्गुमेंट है,
इवैल्यूएशन ऑन डेफिनेशन पर दे दो इवैल्यूएशन के भाई उसने बहुत सारे फैमिली स्ट्रक्चर्स की बात ही नहीं की, लाइक सिंगल पेरेंट फैमिली की बात नहीं की, होमोसेक्सुअल फैमिलीज की बात नहीं की, तो आप इस तरह से उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और फार्मूला है हमारे पास इसको अपोज करने का, वो अपोज करने का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आता है, बिल्कुल ही नॉन कन्वेंशनल फैमिली डाइवर्सिटी की बात कर लो, लाइक नयार ऑफ मालाबार की बात कर लो, मैंने अपने सैम्पल आंसर्स में भी दिया हुआ है, नयार कम्युनिटी जो है, ठीक है, इंडिया जो है, आप उसकी बात कर सकते हैं जिस जहाँ पर पॉलिंड्री होती है, ठीक है, वन फीमेल इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है, तो आपके पास एक डायमेंशन ये क्रिएट होती है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा एक आइडिया बिल्ड हो सकता है, हम जो अगर अब दूसरा पैराग्राफ लेट्स सपोज आप कोई कहते हो यार थ्योरी से सपोर्ट करना चाहिए, तो आप नियोराइट को ले आओ, सही है, ठीक है। अब नियोराइट जो हैं उनके आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डाइवर्सिटी, देखो देखो बात सुनो, नियोराइट हमेशा यूज होगा न्यूक्लियर फैमिली की सपोर्ट में और डाइवर्सिटी की अपोजिशन में, डाइवर्सिटी की अपोजिशन में, समझ में आई बात, कि डाइवर्सिटी की अपोजिशन में बहुत ज्यादा यूज है भाई, सिंगल पेरेंट फैमिलीज जो होती हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सही है, आपने सिंगल पेरेंट फैमिलीज की बात की। अच्छा, अब देखो फैमिली डाइवर्सिटी में तुम्हारे पास बहुत ओपन चांस है, मैं तो मैं सिंपल बताता हूँ फैमिली डाइवर्सिटी के कोर को पैराग्राफ बताता हूँ, आप उसको अवेलुएट भी कर सकते हो साथ साथ, ठीक है भाई। लेट्स सपोज आप कोहैबिटेशन की बात कर लो, इन सब चीज़ों के अलग अलग लेक्चर्स भी हैं, अलग अलग थ्योरीज भी लिखवाए हुए, तो आप आराम से उसको डेवलप कर सकते हो, कोहैबिटेशन, डिक्लाइन इन मैरिज, ठीक है। अब मैं ये साथ साथ क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप न्यू राइट को अपोज करने में इनको हेल्प मिलेगी, यहाँ से आप आर्गुमेंट्स एंटायर थीसिस के पैराग्राफ भी बना सकते हो और थीसिस के पैराग्राफ भी बना सकते हो आराम से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीज इन डिवोर्स, अब थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए आप यूज करोगे किसको, पोस्ट मॉडर्न ऑप्टिमिज्म को, ठीक है, स्टेसी एंड इल्किंस का आर्गुमेंट है, स्टेसी ने कहा था एवरी फैमिली इज एन अल्टरनेटिव फैमिली, इल्किंस ने क्या कहा था कि देयर आर सो मेनी फैमिली सेटिंग्स, जिसमें सरोगेट मदर की भी बात की गई थी, टेस्ट ट्यूब बेबीज की भी बात की गई थी, यानी कि देयर आर सो मेनी फैमिली फैमिली स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपके पास यहां आ गया, फिर फैमिली डाइवर्सिटी में हमारे पास क्या है, सोशल क्लास डाइवर्सिटी है, मैं इसमें जो रिकमेंड करता हूं सबसे ज्यादा सोशल क्लास और एथनिक डाइवर्सिटी को करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन भी ठीक है लेकिन उसका ज्यादा ताल्लुक जेंडर रोल्स के साथ है, तो वो आगे आएगा ऑलरेडी, ठीक है। एथनिक डाइवर्सिटी, आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्या करें, इन तमाम एलिमेंट्स की आर्गुमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लें आराम से, सारे थ्योरीज को लिस्ट डाउन कर लें, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट आता है फिट थीसिस का, फिट थीसिस को आप इवेल्युएट करोगे एंडरसन से लेस्ले की थ्योरीज के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फैमिली फंक्शन से बिल्ड कर सकते हो, फैमिली फंक्शन की जो थ्योरीज हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली इज द मोस्ट बेस्ट फिट फॉर एवरीथिंग, लाइक आप बोलो भाई पार्सन्स एंड बेल्स की थ्योरी है, बेसिक और रिड्यूसेबल फंक्शंस, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज, ये तमाम चीज़ें पॉसिबल किसके अंदर हैं, ये तमाम चीज़ें पॉसिबल है न्यूक्लियर फैमिली के थ्रू। तो आप इस तरह से अपने पैराग्राफ्स को बिल्ड करोगे। देखो मैं आपको अभी बता दूं, आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी पैराग्राफ्स दिए हुए हैं और मेरी वीडियो बकायदा बनी हुई है, ट्रेडिशनल फैमिलीज आर डिसअपीयरिंग, मैं उसको प्लेलिस्ट में साथ भी लगा दूंगा, इसके फौरन बाद लगा दूंगा, जिसके अंदर मैं पूरा मैंने बताया हुआ है पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बताया हुआ है, सही है, और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन बात क्या है, जब तक आप खुद नहीं लिखोगे आपको तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। मेरा आपको रिकमेंडेशन ये होगी कि एक मरतबा जो मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया है पुरानी वीडियोज को देखते हुए या पुराने कॉन्टेंट को देखते हुए, जो इन चीज़ों का कॉन्टेंट ऑलरेडी मैंने ऊपर दिया हुआ है, इसको देते हुए आप खुद एक अपना आंसर बनाएं, ठीक है, सारे थ्योरीज डालें, सब कुछ डालें और फिर मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को लिंक करें, ठीक है। उसके अंदर मैंने पूरा आंसर दिया है, उसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, उस वीडियो के अंदर मैंने ट्रेडिशनल फैमिली का डिसअपीयरिंग का पूरा सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन लेकिन ये होगी कि आपको इस फॉर्मेट को समझते हुए, लेट्स सपोज आप सवाल लिख लें,
ट्रेडिशनल फैमिलीज आर डिसअपीयरिंग और न्यूक्लियर, यानी कि आप सिंपल बना लें, आप चार पैराग्राफ न्यूक्लियर फैमिली की फेवर में बना दें और चार पैराग्राफ डाइवर्सिटी की फेवर में बना दें और याद कर लें उसको, आप यकीन जाने कुछ कहीं ना कहीं जरूर इंप्लीमेंट होगा, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी है। या तो फैमिली देखो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है फैमिली डाइवर्सिटी ना दे एग्जाम के अंदर वो, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि भाई अगर वो नहीं दे रहा तो न्यूक्लियर फैमिली देगा, तो अपोजिशन में डेफिनेटली बात है यूज होगी ये चीज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी इसी को इसी तरह से फॉर्मूला को डेवलप किया हुआ है, ठीक है। न्यूराइड का थ्योरी से मैंने अभी आपके सामने लिख दिया पूरा ऑलरेडी, तो इसी तरह से आप फॉर्मूले को बिल्ड करोगे फैमिली स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को, इसी फॉर्मेट के थ्रू आपने आंसर करना है अच्छे से, ठीक है। जब आप अच्छे से आंसर करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे कुछ नहीं होने वाला, यू नीड टू राइट बाय ओन सेल्फ। बोले नहीं, अब मैं उसकी बात में आपको, अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब वो कहता है पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री की बात, वो इस तरह से आ रहा है क्योंकि उसने बात, उसने उसको लिंक नहीं किया, लेकिन अगर आप उसकी पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि भाई वो पॉलीएंड्री पॉलीगैमी के अंदर वो काफी तरह रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि उसने उस एंगल पे गया ही नहीं, क्योंकि मर्डॉक का और फंक्शनलिस्ट का सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट होता है वो ये होता है कि इन्होंने यूरोपियन सोसाइटीज को स्टडी किया, वहां पर जो फैमिली स्ट्रक्चर था उसी को पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो दैट्स द बिगेस्ट एलिमेंट ऑन दैम। तो उन्होंने इस चीज़ को इतना स्टडी ही नहीं किया और फंक्शनलिस्ट की थ्योरीज के अंदर इस चीज़ के बारे में डिस्कशन मिलता ही नहीं है हमारे पास, तो ये सबसे बड़ी इवैल्यूएशन है इनके लिए अगेंस्ट में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा।